अल्लूरी सीताराम राजू एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र अभियान चलाया था। वर्तमान आंध्र प्रदेश में जन्मे वह 1882 के मद्रास वन अधिनियम के जवाब में अंग्रेजों का विरोध करने में शामिल थे, जिसने आदिवासियों का वन निवास में मुक्त आंदोलन को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित कर दिया। उन्हें पांडु नामक कृषि के पारंपरिक रूप का अभ्यास करने से रोक दिया, जिससे उनके जीवन जीने का तरीका खतरे में पड़ गया। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक के प्रति असंतोष बढ़ने के कारण रंपा विद्रोह हुआ, जिससे अल्लूरी सीताराम राजू ने इसके नेता के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। आदिवासी और अन्य सहानुभूति रखने वालों की संयुक्त सेना को इकट्ठा करके वह भारत में वर्तमान आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में ब्रिटिश सेना के खिलाफ गुरिल्ला अभियान में लगे रहे। उनके वीरतापूर्ण कारनामों के लिए स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें मनियम विरुड की उपाधि दी गई थी। तेलुगु भाषी परिवार में अल्लूरी राम राजू के रूप में जन्मे उन्होंने अपने नाम के आगे सीता उस लड़की की याद में लगाया जिससे वह अपनी युवावस्था के दौरान प्यार करते थे और जिसके कम उम्र में असमयिका निधन से उनका दिल टूट गया था। बाद में उन्होंने 18 साल की उम्र में संन्यास ले लिया और 20वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में दलित जनजाति लोगों के एक करिश्माई नेता बन गए। मनियम्मा विद्रोह या 1922 के रंपा विद्रोह के नेता के रूप में अल्लूरी सीताराम राजू ने तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में पूरी घाट क्षेत्र से उन्हें बाहर निकालने का उद्देश्य दिया। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया। विद्रोह के दौरान उन्होंने अपनी कम सुसज्जित सेनाओं के अग्निस्त्र हासिल करने के लिए शाही पुलिस स्टेशनों पर कई छापे मारे। प्रत्येक छापे के बाद वह थाने में अपने धार हस्ताक्षर एक लिखित नोट छोड़ता था, जिसमें पुलिस को उसकी लूट के विवरण के साथ साथ उसके द्वारा हासिल किए गए हथियारों का विवरण भी पता किया जाता था। यदि संभव हो तो उसे रोकने की चुनौती दी जाती थी।